नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के एक चर्चित अभिनेता ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ न्यूड फोटोज शेयर की। इसके बाद बॉम्बे सहित देश के कुछ भागों में उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए। भारत में अश्लीलता से संबंधित क्या कानून है, क्या अश्लीलता को लेकर भारत की इंडियन पेनल कोड का नजरिया क्या है, इस पर आइए बात करते हैं। भारत में अश्लीलता अपराध है। इंडियन पेनल कोड की धारा 292, 293, 294 और 509 के तहत इसे आपराधिक कृत्य माना गया है। इसके साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67A भी इस कृत्य में लगाई जा सकती है, जब कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री सोशल मीडिया के द्वारा सर्कुलेट करता है। आइए जानते हैं अश्लीलता को लेकर भारतीय संविधान की ये धाराएं क्या कहती हैं। इंडियन पिनल कोड अश्लीलता या न्यूडिटी को अपराध मानता है और इसके लिए आईपीसी की धारा 292 कहती है कि यदि कोई रचना या सामग्री जो आपत्तिजनक, अनैतिक और अभद्र है, उसे बेचा या सर्कुलेट किया जाता है, तो आईपीसी की धारा 292 के तहत उस व्यक्ति पर मुकदमा दायर किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो पहली बार में उस व्यक्ति को 2 साल की सजा और 2000 जुर्माना या दोनों हो सकता है, तथा दूसरी बार ऐसा कृत्य किए जाने पर सजा 5 साल तक की जा सकती है। इसी के साथ आईपीसी की धारा 293 जो ये कहती है कि ये आपत्तिजनक या अभद्र या अनैतिक सामग्री अगर 20 वर्ष से कम के लोगों या बच्चों के बीच सर्कुलेट की जाती है या उनको बेचा जाता है, तो आईपीसी की धारा 292 के बजाय आईपीसी की धारा 293 लगाई जाएगी और इस केस में सजा 2 साल के बजाय 3 से 7 साल की होगी और ये जो है इसमें जुर्माना भी बढ़ जाएगा। रणवीर सिंह पर आईपीसी की धारा 292 नहीं लगी है, 293, 294, 509 और 67A लगाई गई है। आइए बात करते हैं आईपीसी की धारा 294 के बारे में। ये कहता है कि सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कृत्य करने पर आईपीसी की धारा 294 लगाई जाएगी। इसके तहत 3 साल की सजा का प्राविधान है। आईपीसी की धारा 509 ये कहता है महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मकसद से किए गए काम, कहे गए शब्द या हाव भाव के द्वारा अगर उनका मान भंग या उनकी लोक लाज भंग की जाती है तो आईपीसी की धारा 509 लगाई जाएगी। टीजिंग या किसी महिला के बारे में कोई शब्द कहना इसी धारा के तहत दंडनीय अपराध है और ये महिला द्वारा तय किया जाता है कि कौन सा शब्द और कौन सा हाव भाव जो है वो आपत्तिजनक है। इसके तहत सजा 3 साल तक की है और जुर्माना भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इस तरह का अश्लील कंटेंट बेचा जाता है या सर्कुलेट किया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, तो आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत कार्रवाई की जाती है और आईटी एक्ट की धारा 67A कहती है कि अश्लील सामग्री यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि से सर्कुलेट की जाती है या प्रकाशित की जाती है उस पर, तो फिर सजा 5 साल और 5 लाख का जुर्माना होगा। ऐसा कृत्य दोबारा करने पर यह सजा 7 साल की और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत अपराधी पाए जाने पर यह धारा जमानती नहीं है, यह गैर जमानती धारा है। तो आप समझ गए होंगे कि अश्लीलता भारत में दंडनीय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।